वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो ये हमारी आ चुकी है जो कि है एक गरबा लहंगे की। सो आज हम बनाने वाले हैं गरबा लहंगा, जिसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक ली है जो सारी की सारी फैब्रिक कॉटन की है। मैंने यहाँ चार प्रिंट की फैब्रिक ली है जिसमें से पूरा मिला के ये 8 मीटर है। ये ब्लैक वाली फैब्रिक ज़्यादा है, मैं उसका ज़्यादा यूज़ करूँगी नहीं। सो ये पूरी फैब्रिक जो है 8 मीटर है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप लोकल मार्केट से आसानी से ले सकते हैं ऐसे फैब्रिक, या आपके पास फैब्रिक हो तो उससे भी बना सकते हैं। ये सिर्फ लहंगे की ही वीडियो है और ब्लाउज़ की एंड दुपट्टे की वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। ये फैब्रिक मैंने परचेज की है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, ये सॉफ्ट प्योर कॉटन है। सो इस नवरात्रि आप इस लहंगे को ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सो हम लहंगा स्टार्ट करते हैं इस फैब्रिक से, जिससे हम लहंगे का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। सो अब हम लहंगे की पैटर्न कटिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पेपर लिया है। इसमें मैं लहंगे की साइज़ का ही पैटर्न बताऊंगी, ये पेपर तो छोटा है लेकिन जो इसमें मेजरमेंट होगी वो पूरे फुल लहंगे की होगी। सो मैं यहाँ वेस्ट साइज़ 28 इंच रख रही हूँ, मतलब ये 28 की कमर होगी इसमें, और जो फुल लेंथ होगा वो इसका 40 इंचेस होगा। इस लहंगे में मैं दो तरफ कलियाँ बनाऊंगी, ऊपर भी कली होगी और नीचे साइड भी, और दोनों के फैब्रिक अलग होगी। जो बेस फैब्रिक मैंने लिया है ग्रीन, उसमें मैं ऊपर के कलियों की कटिंग करूंगी जो कि 14 कलियाँ होंगी, और जो नीचे की कलियाँ होंगी वो ऊपर की 2 कलियों के हिसाब से होगी, मतलब ऊपर की 2 कलियाँ और नीचे की 3 कलियाँ। ना हमें वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही कलियों का साइज़ लेना है। सो हमें चाहिए यह 28 का कमर, सो 28 को हम जितनी कलियाँ चाहिए उसमें डिवाइड करेंगे। तो मुझे चाहिए कलियाँ 14 कलियाँ, सो मैं 14 से डिवाइड करूँगी, उस हिसाब से जितनी कलियाँ आएंगी उतना मेज़रमेंट हमें लेना है। तो मुझे यहाँ डिवाइड करने से 2 इंच मिल रहा है, तो मैं हर एक कली की जो ऊपर का कमर का जो साइज़ होगा वो 2 इंच करूँगी, मतलब कि हर कलिया 2 इंच के साइज़ की बनेगी। अगर आपको 30 की कमर चाहिए तो आप 16 कलियाँ बना लें, उस हिसाब से डिवाइड कर लें, सो आपको सारी कलियाँ बराबर मिलेंगी। फिर ना हम इस कागज़ को फैब्रिक के अकॉर्डिंग माने, तो मान लीजिए ये हमारा 43 इंच का कपड़ा है, मतलब कपड़े की जो चौड़ाई है वो 43 इंच है। सो आप भी फैब्रिक कट करने से पहले कागज़ ही काट लें, जिससे पैटर्न अच्छे से कट जाए, तो उसके बाद आप पीसेस काट सकते हैं। सो आप अपनी फैब्रिक की जितनी चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग एक सर्कल कट कर लें जो कि 90 डिग्री का होगा। सो मैंने यहाँ भी आपको बताया कि अगर आपकी फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो है 43 इंचेस, सो उसी हिसाब से मैं यहाँ 90 डिग्री का एक कट कर ले रही हूँ। और अब इसे मैं कॉर्नर से इस तरीके से 2 फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें वही मार्किंग करूँगी, मतलब कि 43 के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ किया था, जो कि मेरी इस इंच टेप से 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच का मार्क मैं यहाँ लगा लूँगी। सो ये लहंगे की पूरी लंबाई है, अब मैं इसे कट कर लूँगी। सो मुझे 28 इंच कमर बनाना है, उस हिसाब से मैं कॉर्नर पे मेज़रमेंट लूँगी, और ये फैब्रिक 43 मैंने लिया था और मुझे 40 इंच चाहिए, तो मैं 3 इंच के हिसाब से नीचे मार्किंग करूँगी जिससे कि मुझे 2 इंच मिल जाए। सो हम इसके ऊपर साइड इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो ये बना है वो उससे हमें 2 कली निकालना है, लेकिन इससे पहले हम नीचे से मेज़रमेंट लें। मैं यहाँ ग्रीन वाली फैब्रिक को 20 इंचेस लूँगी, सो मैं यहाँ 20 इंच के हिसाब से यहाँ लगा लूँगी, जो मैं इसमें लगभग 5 इंच ले रही हूँ, लेकिन जो मेरा लहंगा है उसमें मैं 20 इंच के अकॉर्डिंग ये मार्किंग लगा लूँगी और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लूँ। इसके बाद हम नीचे वाले हिस्से को काट के सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको 2 हिस्से में कट कर लेंगे, जिससे हमारी ये 2 कलियाँ मिल जाएंगी जो कि ऊपर के लिए है। सो ये हो गई हमारी 1 कली जो कि डिग्री के हिसाब से 45 डिग्री की है, और इसका जो ऊपर वाला जो कमर वाला हिस्सा है वो 2 इंच है। इस कटिंग में सीम अलाउंस साथ में है, अगर आपको ज़्यादा सीम अलाउंस देना है तो आप उसे अलग से पेपर में कट करेंगे, उसके बाद उस कटिंग के अकॉर्डिंग ही सारी फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ना जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से वापस खोल लेंगे और इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे। इसे 3 भाग में डिवाइड करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसे इस तरह से सेट करेंगे कि ऊपर की 2 कलियाँ और नीचे की 3 कलियाँ एक साथ हमें जॉइंट करनी है। इस तरह से हम सारी कलियाँ तैयार करेंगे, और ये कलियाँ हम ऊपर की 2 कलियों के हिसाब से हम 7 कलियाँ करेंगे, और अगर ऊपर की कलियाँ टोटल कहें तो 14 कलियाँ, इस हिसाब से हम इसे स्टिच करेंगे। सो हमने पैटर्न कटिंग कर ली है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हम कटिंग करेंगे। सो मैंने सबसे पहले टॉप वाली फैब्रिक ली हुई है, इसमें मैं इसे कट करूँगी। Thank you.
मैंने सारी कलियां कट कर ली हैं और ये टोटल 7 है और इस तरीके से ये डबल है तो 14 कलियां मैंने यहाँ बना ली हैं। अब मैं 14 कलियों के हिसाब से ही नीचे का फैब्रिक भी कट करूंगी। ये 14 कलियां मिलके ये ऊपर का जो सर्कल है उसका जो घेर है वो 6 मीटर तक है। अब हमने जो पैटर्न कट किया था उसका जो नीचे वाला हिस्सा था उसे हम नीचे वाले फैब्रिक के लिए कट करेंगे, यानी कि सारी प्रिंटेड जो डार्क कलर की फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। सो हमने एक पीस काटी और उसी तरीके से हम इसके सारे पीसेस को कट कर लेंगे। फैब्रिक मैंने 2-फोल्ड रखा है जिससे कि एक ही साथ दो कलियां कट जाए। फैब्रिक नंबर 3। अब हम इस प्रिंटेड कपड़े को भी बिल्कुल जैसे पहले पैटर्न से कट किया था उसी पैटर्न से हम इसे भी कट कर लेंगे। जितनी भी कलियां इस कपड़े में से निकल रही हैं हम काट के निकाल लेंगे। अब हम लहंगे की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये रही इसकी कली और इसलिए रहा इसका दूसरा वाला हिस्सा। इसे हम इस तरीके से बीच से स्टिच करके अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारी कलियों को अटैच करेंगे। सो मैंने यहाँ इसे स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हमें सभी को स्टिच करना है। नाउ मैंने बॉटम वाला हिस्सा के लिए यहाँ फैब्रिक लिया है जिसे मैंने कट किया था और इस तरीके से मैं उसे सेट करूंगी। मैंने पहले डार्क रखा है, उसके बाद पिंक, उसके बाद जो ये मरून प्रिंटेड है उसे इसको आपस में इस तरीके से स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ तीनों ही प्रिंटेड फैब्रिक को देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसके टॉप वाला जो हिस्सा है उसे हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर की 2 कलियों में नीचे का 3 कली ऐड किया है और इसी तरीके से हमें सारे कलियों को ऐड करना है। एंड मैंने इसे यहाँ स्टिच कर लिया है ये देखिए, और इसी तरीके से हमारी 7 कलियाँ बनेंगी और साथ में ये नीचे की 3 कली ऐड होगी। एंड नीचे की कलियाँ जो मैंने कट की है वो टोटल 21 है। सो हम इसी तरीके से सारे पार्ट्स को रेडी करेंगे। ये देखिए ये दूसरा हिस्सा भी रेडी है। इसे हम आपस में स्टिच करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सीध में आए और इसके ऊपर वाला हिस्सा भी। इसके हर एक पार्ट में ऊपर 2 कलियां और नीचे 3 कलियां हैं तो पूरी ग्रीन वाली जो कलियां हैं वो 14 हैं और नीचे 21। इसी तरीके से हमें सारी कलियों को जोड़ लेना है। जब लहंगा रेडी होगा तो इसकी पूरी घेर 12 मीटर या 12.5 मीटर के लगभग हमें मिलेगी और इस सारे प्रोसेस में हमने कमर पे एक भी प्लेट नहीं दिया है और इसमें बिना प्लेट दिए ही हमें लगभग 13 मीटर का घेर मिलेगा जो कि फुल सर्कल से काफ़ी ज़्यादा है। और एक गरबा लहंगे में इसका घेर ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितना इसमें घेर होगा उतना ये डांस करने में, गरबा करने में खूबसूरत लगेगा। इस तरह से मैंने सारी कलियों को जोड़ दिया है और इसे जोड़ने के बाद मुझे 13 मीटर का घेर मिल रहा है और अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। डेकोरेट करने के लिए मैं मिरर लेस का यूज़ कर रही हूँ जिससे लहंगे में थोड़ा सा ब्लिंग भी आए। ये लेस मैंने एक बंडल लिया है जो कि 9 मीटर है और इसमें मुझे 6 से 7 मीटर लगेगा। बाकी का मैं इसके ब्लाउज में यूज़ करूँगी। सो इसे सिंपली इस तरीके से इसके जॉइंट पर रख के हमें दोनों तरफ से सिल लेना है। आप चाहें तो इसी के साथ पॉम पॉम लेस भी लगा सकते हैं जस्ट इसके नीचे। इस लहंगे का पैटर्न तो इजी है लेकिन इसका हर प्रोसेस टाइम टेकिंग है। इसमें लेस लगाने में और इसकी कवरिंग करने में हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इसकी
लाइनिंग की कटिंग मैंने सिंपल रखी है जिसकी टोटल लेंथ है 40 इंचेस और ये 90 डिग्री की है जिसे मैंने लास्ट में फैब्रिक से कंप्लीट किया है और इसके लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था। हम बेल्ट काटेंगे तो ये कपड़ा जो बचा हुआ है इससे मैं बेल्ट काटूंगी। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है ये 34 इंच का बेल्ट, आप सीधा भी बना सकते हैं, मैंने हल्का सा कर्व किया हुआ है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम बेल्ट को कट कर लेंगे। लहंगा रेडी हो जाने के बाद इसमें हम जो लाइनिंग रेडी किए थे उसे हम इसमें अटैच कर लेंगे। ऊपर के हिस्से को हम एक कच्ची सिलाई जैसा कर लेंगे। अब हम इसमें जिप ऐड करेंगे और जिप मैंने पिंक कलर की ली है जो कि लहंगा काफ़ी कलरफुल है तो चल जाएगा इसे भी। इसे हम इसे साइड में ऐड करके इस लहंगे को दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। एंड ये देखिए मैंने इसमें जिप ऐड कर लिया है और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है हम उसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से मैंने ये जिप ऐड किया है बैक साइड में भी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका ब्लाउज एंड इसका दुपट्टा की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। बस लहंगे में अब हम बेल्ट ऐड करेंगे, जो बेल्ट मैंने बना के रखी हुई थी। बेल्ट ऐड करने के लिए इसे मैं इस तरीके से, आप चाहें तो इसे चेन को ऊपर का हिस्सा को दबा सकते हैं और ऊपर में इसमें हुक लगा सकते हैं। अब हम लहंगे के नीचे साइड को कवर करने के लिए इसमें एक लेस लगाएंगे, आप चाहें तो सिंपल तरीके से कवर कर सकते हैं या कोई भी लेस इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं लहंगे को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए ये पॉम्पम लेस का यूज़ करूँगी जिसे मैं बीच वाली लेस के नीचे लगाऊंगी और बस इसके बाद ये लहंगा रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दुपट्टा और इसके ब्लाउज की कटिंग बता दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।